दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कल की 298 एडी का डे 25 तक का कितना कलेक्शन हो चुका है बॉक्स ऑफिस। अगर आपको याद हो तो डे 18 तक का मैंने डे बाय डे टोटल कलेक्शन बताया है, आप जाकर वो चैनल पर देख सकते हैं चाहे तो। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मिलकर किसके ऊपर अपना गुस्सा निकाला है गलत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देने पर, उसके ऊपर क्या लीगल नोटिस भेजा है इस मूवी के मेकर्स ने, हमें ये भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी का जो डे 19 का कलेक्शन था 4 करोड़ था, जिसमें तेलुगु का 1 करोड़ 15 लाख, तमिल का 1 करोड़ 5 लाख और हिंदी का 2 करोड़ 4 लाख, कनाडा का 5 लाख, मलयालम का 25 लाख। डे 20 तक का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं आपको बता दूं तो 5 करोड़ 1 लाख डे 20 का हो चुका था, और जिसमें से 1 करोड़ 5 लाख तेलुगु का, तमिल का 25 लाख, हिंदी का 3 लाख, मलयालम का 3 लाख, कनाडा का 5 लाख। डे 21 का 7 करोड़ 2 लाख, तेलुगु का 2 करोड़ 45 लाख, तमिल का 4 लाख, हिंदी का 3 करोड़ 9 लाख और मलयालम का 35 लाख, कनाडा का 1 लाख। डे 22 का 3 करोड़ टोटल कलेक्शन हुआ, जिसमें तेलुगु का 75 लाख, तमिल का 1 लाख, हिंदी का 2 लाख, कनाडा का 3 लाख, मलयालम का 12 लाख। वीक 3 का इसके साथ टोटल कलेक्शन हो चुका है 56 करोड़ 1 लाख तेलुगु का, जिसमें से 17 करोड़ 85 लाख और तमिल का 1 करोड़ 85 लाख, हिंदी का 33 लाख, कनाडा का 73 लाख, मलयालम का 2 करोड़ 67 लाख। और डे 23 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है 2 करोड़ 9 लाख टोटल, तेलुगु का 1 करोड़, तमिल का 2 लाख, हिंदी का 1 करोड़ 55 लाख, कनाडा का 3 लाख, मलयालम का 12 लाख। डे 24 यानी कि फोर्थ सैटरडे का इसका जो कलेक्शन हुआ है कल का 6 करोड़ 1 लाख, तेलुगु का 1 करोड़ 7 लाख और तमिल का 4 लाख और हिंदी का 3 करोड़ 6 लाख, कनाडा का 1 लाख, मलयालम का 3 लाख। डे 25 यानी कि फोर्थ संडे का इसका जो कलेक्शन हुआ है आज का 2 करोड़ 36 लाख, और ये अभी कलेक्शन बढ़ सकता है, ये अभी लैंग्वेज वाइज नहीं आया है, अभी शाम तक का अपडेट आना बाकी है। इसी के साथ टोटल इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है डे 25 तक का 610 करोड़ 81 लाख हो चुका है दोस्तों। और मैंने आपको जैसा कि बताया डे 25 का अभी पूरा डाटा नहीं आया है, तो शाम तक पूरा डाटा आ जाएगा। अभी डे 25 का 2 करोड़ 36 लाख ही कलेक्शन हुआ है, लेकिन हाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि डे 24 यानी कि फोर्थ सैटरडे और डे 25 यानी कि फोर्थ संडे के दिन इसका कलेक्शन बढ़ा है बाकी दिन के अपेक्षा में, क्योंकि सैटरडे और संडे एक ऐसी दिन है जो पब्लिक बाहर निकलते हैं और किसी भी मूवी को देखते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि उस दिन संडे और सैटरडे रहता है तो छुट्टी का दिन रहता है, तो इसीलिए इस दिन ज़्यादा कलेक्शन होता है किसी भी मूवी का। और डे 24 में 110% का जंप हुआ है इस मूवी को, क्योंकि इस दिन सैटरडे था जैसा कि मैंने आपको बोला। दोस्तों कल की 298 एडी के मेकर्स ने दो ऐसे व्यक्ति पर केस किया है, लीगल नोटिस भेजा है, जिन्होंने भ्रम फैलाया है पूरे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, पब्लिक पर भी इफेक्ट डाला है कि मूवी का कलेक्शन झूठा बताया जा रहा है, मूवी 1000 करोड़ कलेक्शन नहीं किए। उसका मैं बता दूं एक आर्टिकल है, द मार्क ऑफ कल की 298 एडी एड हैव रिपोर्टेड सेंट ए लीगल नोटिस टू ट्रेडर एनालिटिक्स सुमित कडेला एंड रोहित जायसवाल फॉर एलेक्जेंडर रिपोर्ट फेक बॉक्स ऑफिस नंबर ऑफ द प्रभास स्टारिंग एस रिपोर्टेड बाय बॉलीवुड हंगामा, वाइल सुमित हैज ऑलरेडी रिसीव द लीगल नोटिस, रोहित इज लाइकली टू गेट इट बाय सैटरडे। जुलाई 2020 का ये कांड है जो दो ट्रेडर्स थे, रोहित जायसवाल और सुमित कडेला, दो ट्रेडर्स ने मिलकर इस कल्कि के मूवी को फेक बताया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बोला कि ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक बताया है, बोला कि ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रही है रोज का रोज इसका कलेक्शन जो बढ़ रहा है वो झूठा है, ये दो ट्रेडर्स ने बोला है। और मतलब मैं समझता हूँ किसी भी मूवी के लिए एक ऐसा झूठ फैलाना गलत बात है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वही बताइए, मैंने जितना भी दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया है कल्कि का सही बताया है, जो रहा है मैंने वही बताया है, उसे मतलब गलत नहीं बताया, तो मैं तो इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों किसी भी मूवी के लिए एक आदमी इतना स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा लगा रहा है, आप उसके लिए झूठा भ्रम फैला रहे हैं तो उसका लॉस होगा, और हुआ भी है कल्कि को लॉस, बहुत सारे बॉलीवुड के ही टुच्चे से लोग इसके लिए फेक वीडियो बनाकर फेक रिव्यू दिए, तो इसके लिए इस मूवी का कलेक्शन भी डाउन गया। लेकिन हाँ किसी भी चीज़ को बनाने में पैसा लगता है, टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो किसी का भी मेहनत बर्बाद करने का किसी को कोई हक नहीं है, जब आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो खराब ही मत बोलिए, तो मैं ऐसा मानता हूँ। तो दोस्तों जो भी किया है इसमें इस कल्कि के मूवी के मेकर्स ने तो ये अच्छा ही किया है, क्योंकि ऐसे ऐसे आदमी को सबक सिखाना ही चाहिए जो कि गलत चीज़ फैलाते हैं हमारे समाज में। तो दोस्तों ये था
इसका कल्की का जो कुछ हुआ है लीगल नोटिस इसके मेकर डायरेक्टर ने भेजा है, और इस साथ साथ यही साबित करने के लिए कहा ये दो ट्रेडर सुमित कडेला और रोहित जायसवाल को कि आप साबित करिए कि कैसे इस मूवी का कल्की का कलेक्शन फेक है, अगर नहीं साबित कर पाए तो 20 करोड़ से 25 करोड़ का जुर्माना है। तो कल्की के कलेक्शन में 20-25 करोड़ रुपया और जोड़ लीजिए तो ये मूवी और ज़्यादा कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि इनको तो जुर्माना लगेगा ही लगेगा। और कल्की का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ प्लस हो चुका है और इंडिया का कलेक्शन 610 करोड़ प्लस हो चुका है। तो दोस्तों कल्की के मेकर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मेहनत और मतलब लगन सफल हुआ। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। जय हिंद वंदे मातरम, जय श्री राम।